नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है कबूतरों की बगलों के ऊपर, सपोर्टिंग पर्वों के साथ में जो बगलें होती हैं वो क्या काम करती हैं। वीडियो में बने रहें लास्ट तक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। प्लस आ रहा हूं अमृतसर जल्द, 12 तारीख को, मिलना चाहते हो तो प्लीज़ संपर्क करें और वीडियो शूट करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेके चलते हैं सीधा आपको अपना कबूतर की तरफ और समझाते हैं बगल वाला पार्ट। इसके बाद लास्ट पार्ट आने वाला है दुम वाला, वो भी ज़रूर देखिएगा। ये सारी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसके अगली सीरीज शुरुआत होगी कबूतरों की बाजी की तैयारी कैसे की जाए। ठीक है दोस्तों, आपके लिए इस तरह के एक्साइटिंग सीरीज़ लेकर के आते रहेंगे। लाइक किया कीजिए, प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर किया कीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो भाई करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी करे हुए और लेके चलते हैं सीधा आपको कबूतर के बगलों की तरफ। तो दोस्तों, लेके आ चुके हैं लॉफ्ट के अंदर से आपके लिए एक प्यारी सी कबूतरी और दिखाते हैं आपको, कराते हैं दर्शन इस कबूतरी के। तो बगलों का जो पार्ट है भाई, बहुत ही अहम रोल करती है अदा कबूतर की घर वापसी में। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना, बगले होती क्या है पहले तो मैं आपको वो दिखा दूँ, आप अंडरस्टूड रहें कि बगले होती क्या है। ये आपने पर खोला, ये 10 पर हैं, ठीक है, ये वाले 10 पर हैं, जहाँ से आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो ये 10 के 10 पर होंगे इनका जो झुकाव होगा वो मतलब इस शेप में होगा हल्का सा, और जैसे ही ये बगल के पर शुरू होंगे तो उनका झुकाव बॉडी की तरफ होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आप समझ गए कि कबूतर के जो बगले होती हैं उनका जो झुकाव होना चाहिए वो बॉडी की तरफ होना चाहिए, ना कि उधर की तरफ। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें आप, यहाँ तक ये पहला पर है, ये फर्स्ट पर है, और यहाँ से ये बगल शुरू हो गई है। ये बगल जो है एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है जब कबूतर आसमान में उड़ रहा होता है। कबूतर जब अपनी बुलंदियों पे होता है, और जब आपने देखा होगा कबूतर जब आसमान में पहुँच जाता है तो वो काफ़ी के बाद स्विम करता है। स्विम वो कैसे करता है? बिकॉज ऑफ दिस बगले, ठीक है, इन बगलों के कारण वो स्विम कर सकता है, बहुत इजीली हवा में तैर सकता है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा सहायता होती है लॉन्ग टाइम देने में। अगर वो लगातार पर मारता रहेगा लेकिन वो थक जाएगा बहुत जल्दी। तो काफ़ी हद तक ये बगल वाले पर उसको सपोर्टिंग देते हैं, क्योंकि जब जब हवा आती है तो हवा वो बगलों में आके स्टोर हो जाती है, और बगलों से फिर वो आराम से पूरे आसमान में तैरता हुआ मस्ती काटता है। तैरने के बाद में जब वो कबूतर वापसी उतर रहा होता है अपनी पूरी जान लगाने के बाद में, तो होता क्या है कि उसके जो पर हैं वो दुख जाते हैं, वो थक जाता है बहुत ज़्यादा। तो उस समय कहीं ना कहीं ये बगल वाले पर ही बहुत प्यारी एक सपोर्ट देते हैं उसको नीचे उतरने में। स्विम करता ईजिली आता है। तो होने कैसे चाहिए बगलों के पर, अच्छे बगलों के पर कैसे होने चाहिए, अब उस चीज़ पर आ जाते हैं। अब आप इसी को देख लीजिए, पहले ये अपने पास में डब वाली कबूतरी है, तो ये देखें आप, ये इसके बगलों के पर हैं। बगलों के पर जो हैं उनका झुकाव, पहला पॉइंट आपको मैंने बताया कि एक बॉडी की तरफ होना चाहिए, बगलों के पर से बॉडी के बीच में कोई भी गैपिंग ना हो, क्योंकि वो बैक गैपिंग ही हवा पास आउट करेगी और कबूतर ढंग से स्विम नहीं कर पाएगा, लीकेज हो जाएगी उसके अंदर से। ठीक है, तो वो लीकेज नहीं होनी चाहिए। बगलों के पर जो हैं कबूतर के तीसरे जो थर्ड कुंदा होता है, अगर जो आप इधर से गिनेंगे तो इधर से 10वां 9वां 8वां 7वां करते करते जो थर्ड आएगा उसके बराबर के बगलों के पर लंबे बगल होने चाहिए। अगर यकीनन जो देखा जाता है वैसे आम तौर पे अच्छी बगल जो है थर्ड वाली है, लेकिन अगर सेकंड भी है तो चलेगा, फर्स्ट ना हो, कोशिश करें कि पहले कुंदे के बराबर की बगल ना हो। ये जो कबूतरी है इसकी बगल भी इसके दूसरे कुंदे के बराबर में है, ये देखें आप, दूसरे कुंदे के बराबर की बगल है, तो दूसरे तक का चल जाएगा, तीसरे का वेल एंड गुड रहेगा। ठीक है, तो ये रहा पार्ट बगल का कि बगल एक कबूतर की कैसी होनी चाहिए। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। फिर मिलेंगे एक न्यू एक्साइटेड वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।